तो हेलो गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों तो आज मैं दोस्तों आपके लिए लेकर आया हूँ एप्पल टॉयज की तरफ से किचन किंग सुपर स्टैंड। तो यहाँ पे आप लोग दोस्तों बॉक्स देख सकते होंगे, काफी बेस्ट लुक है बॉक्स का। और ये जो वाला दोस्तों प्रोडक्ट है वो है मेड इन इंडिया। तो मैं आपको चारों तरफ से दिखाई देता हूँ कि किस तरह से, ये देखिए कुछ इस तरह से इसमें सामान आने वाला है। प्राइस की बात करो तो दोस्तों ये मुझे मार्केट में 700 रुपए के आसपास मिला है। ये प्रोडक्ट दोस्तों इसलिए महंगा है क्योंकि इसमें जो सामान आने वाला है ना वो प्योर स्टील से बना होता है। और दोस्तों लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, तभी आप लोगों को मजा आएगा। मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों इस वाले किचन सेट को परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 500 लाइक, तो मुझे पता है कि दोस्तों आप लोग लाइक को जरूर पूरा करोगे। तो मैं आपको धीरे धीरे से इसको कर लेता हूँ ओपन। तो ये देखिए, ये रहा हमारा किचन सेट। तो आप लोग दोस्तों देख सकते होंगे काफी मस्त किचन सेट है। पहले भी दोस्तों मैं वुड स्टैंड के साथ किचन सेट लेके आया था, लेकिन वो क्या थे, छोटे छोटे थे। इस बार क्वालिटी थोड़ी बढ़ा दी है और चीज़ें भी बढ़ा दी है। तो ये देखिए बहुत ही मस्त पैकिंग भी की है। तो इस पैकिंग को मैं आराम से खोल देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों हमारी जो पैकिंग है वो हो चुकी है ओपन। और मैं आपको दोस्तों एक एक करके चीज़ें दिखाऊंगा, क्वालिटी भी कैसी है वो भी बताऊंगा। तो चलिए तो फिर पहले स्टार्ट करते हैं छोटी सी चम्मच से। और इस बार है ना ये वाले जो टॉयज है वो थोड़े से चिपकाए गए हैं, तो निकलने में यार थोड़ी सी दिक्कत तो होने ही वाली है। तो ये रही हमारी फर्स्ट चम्मच। तो आप लोग यहाँ पे डिज़ाइन देख सकते होंगे दोस्तों, बहुत ही मस्त डिज़ाइन मिलने वाली है। और काफ़ी दोस्तों फैंसी चम्मच भी मिलने वाली है, बहुत ही बेस्ट। और स्टील की है, ये मुड़ने वाली भी नहीं है, आप लोग इसको नॉर्मल काम में भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों आपको दो चम्मच मिलने वाली है रेगुलर। तो ये देखिए, ये आपको रेगुलर चम्मच मिलने वाली है और ये भी डिज़ाइन वाली है। यहाँ से डिज़ाइन देख सकते होंगे, बहुत ही मस्त। और ये देखिए, ये भी प्योर स्टील से बनी हुई है। और आप लोग दोस्तों चमक देख ही सकते होंगे, बहुत ही मस्त चमक है। चम्मच है ना दोस्तों बहुत सारी दी हुई है। यहाँ पे एक है छोटी वाली चम्मच, कुछ इस तरह से दिखने वाली। और यहाँ पे दोस्तों एक कटोरी वाला चिमटा मिलने वाला है, दाल बाल निकालने के लिए काफ़ी मस्त बनाया गया है। ये देखिए, दाल भी निकाल सकते हो या फिर कुछ भी निकाल सकते हो। और यहाँ पे आपको दो डिश मिलने वाली है, ये देखिए कुछ इस तरह से। और यार ये लोग यार चिपकाते हैं ना, तो यहाँ पे जो फिनिशिंग है वो ख़त्म हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे कागज़ भी चिपक गया है। अगर इसको निकालना पड़ेगा तो कैसे निकालूंगा? अगर आप लोग यार कंपनी वाले देख रहे हैं इस वीडियो को, तो प्लीज़ यार इसको थोड़ा सा चेंज कीजिए, क्योंकि यार बहुत ही ख़राब लगता है। ये देखिए कुछ इस तरह से चिपका हुआ आएगा तो कैसा लगेगा। तो दोस्तों डिश की क्वालिटी है ना वो काफ़ी बेस्ट मिलने वाली है आपको, और काफ़ी हैवी भी है। और यहाँ पे दोस्तों छीलने के लिए एक छेनी मिलने वाली है, जिसमें आप लोग कैरेट वेरेट या फिर कुछ भी छील सकते हो। वैसे दोस्तों कैरेट से यार गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये इस बार थोड़ा सा टांगने के लिए भी दिया हुआ है, ये देखिए आप लोग इसको टांग भी सकते हो। और मुझे लगता है कि आप लोग यार इसको घर पर भी यूज़ कर सकते हो, यार ये काम करने वाली है और काफ़ी हैवी भी है। ये देखिए दबने वाली भी नहीं है, बहुत ही मस्त। और यहाँ पे दोस्तों आपको प्यारी सी डिश मिलने वाली है, और यहाँ पे जो स्टिकर है वो लगाया गया है स्माइली का, तो आप लोग दोस्तों देख सकते हो। और यहाँ पे है बहुत ही मस्त चीज़, कप रखे भी, तो इसको भी यार बहुत ही हार चिपका गया है, कप यार निकलता नहीं, हाँ निकल गया। तो ये आपको इस तरह से बहुत ही प्यारी सी रका भी मिलने वाली है। और ये रहा कप, जो इसके अंदर भी दोस्तों स्माइली का स्टिकर लगाया गया है, ये देखिए, और काफ़ी मस्त लग रहा है, ये देखिए इतना मस्त लगता है। सो हमारी लास्ट में तीन चीज़ें, इसको मैं पहले निकाल ही देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों एक जाली वाला चिमटा मिलने वाला है पूरी बुरी तलने के लिए। यहाँ पे बातिया मिलने वाला है राइस निकालने के लिए। और ये चपाती तलने के लिए एक लंबा सा चिपिया आता है, जो आप लोगों के यार घर में होगा ही होगा। तो ये देखिए काफ़ी बेस्ट क्वालिटी है, बहुत ही मस्त है। और यहाँ पे दोस्तों आपको एक प्रेशर कुकर मिलने वाला है। प्रेशर कुकर की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, डिब्बा वाला दिया हुआ है, अगर थोड़ा सा चेंज करते तो बहुत ही मस्त लगता। ये देखिए ये ठीक तरह से बंद भी नहीं होता। और यहाँ पे दोस्तों एक छोटी सी वाटकी भी मिलने वाली है दाल बाल रखने के लिए, बहुत ही मस्त। और यहाँ पे पानी भरने के लिए स्टील का मटका भी मिलने वाला है,
और इस मटके की क्वालिटी भी दोस्तों थोड़ी सी चेंज की है। ये देखिए यहाँ से बहुत ही बढ़िया स्टाइल भी है, ये देखिए बहुत ही मस्त। और आप लोग यार इसमें पानी भर सकते हो, इसमें कोई भी लीकेज विकेज नहीं है। और यहाँ पे है दोस्तों हमारी तपेली, जिसमें यार दूध वूध गर्म करने के लिए काम आती है। तपेली भी काफ़ी हैवी बनाई गई है। और यहाँ पे है गैस स्टोव, तो हाँ यार मैंने सोचा कि यार इसके अंदर होना चाहिए वो गैस सिलेंडर, तो इसके अंदर था और निकल भी गया। पहले क्या है कि दोस्तों गैस स्टोव एक ही देते थे और गोल वाला, पहले दोस्तों जो पुराने ज़माने में चलता था वैसा ही देते थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। बहुत ही मस्त गैस स्टोव बनाया है, तो आप लोग क्वालिटी देख सकते हो, काफ़ी हैवी भी है, ये टूटने वाला तो है ही नहीं। आप लोग इसको पैर भी रख दोगे ना तभी टूटने वाला नहीं है। तो ये देखिए बहुत ही मस्त, और इसके साथ गैस सिलेंडर भी है, लेकिन गैस सिलेंडर दोस्तों सिर्फ शो के लिए दिया है, ये देखिए। और यहाँ पर लगा गया है रबड़, तो यार ये देख के मुझे बहुत ही मज़ा आ गया दोस्तों। इस किचन सेट की मेन चीज़ वुड स्टैंड, तो यहाँ पे दोस्तों क्वालिटी देख सकते होंगे काफ़ी बेस्ट क्वालिटी है और बहुत ही मस्त फिनिशिंग से बनाया गया है, ये देखिए। अगर ये पानी में गीला हुआ तो ये आपका ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए पानी में इसको मत डालिएगा। तो ये इसके दो कबाट आने वाले हैं, जिसमें आप लोग नॉर्मल कोई भी चीज़ें रख सकते हो खेलने के लिए, और ये बहुत ही बढ़िया तरह से बंद भी होता है, ये देखिए। और यहाँ पे दो हैंडल भी आए हैं पकड़ने के लिए, यहाँ पे डायमंड चिपका गया है शो के लिए। यहाँ पे आप लोग डिश बिश रख सकते हो, यहाँ पे कुछ भी, एयर कुकर तपेली वपेली कुछ भी रख सकते हो, इसमें चिमटा विमटा कुछ भी टांग सकते हो। पहले क्या था कि दोस्तों पहले वुड स्टैंड देते थे, लेकिन इस बार नहीं दिया है वुड स्टैंड, तो अच्छी बात है। तो ये देखिए क्वालिटी बहुत ही मस्त। और यहाँ पे दोस्तों जो आपको अंदर डिज़ाइन दिख रही है उसमें कागज़ चिपकाया गया है, तो बहुत ही मस्त है। तो वीडियो दोस्तों अभी तक ख़त्म हुई नहीं है, लास्ट में मैं इन किचन सेट का सेटअप दिखाने वाला हूँ, तो प्लीज़ यार लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। आप लोगों को ये किचन सेट कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मुझे तो दोस्तों ये किचन सेट प्राइस के हिसाब से बहुत ही बेस्ट लगा, क्योंकि यार इसमें जो चीज़ें मिलने वाली है वो है प्योर स्टील की, और कोई भी किचन सेट ऐसा नहीं है कि यार प्लाईवुड स्टैंड देते हैं, तो इसमें आपको प्लाईवुड स्टैंड भी मिलने वाला है, तो यार बहुत ही मस्त है। तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो लोग नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे भी लेके आने वाला हो। तो चलिए तो भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।